दोस्तों नमस्कार। सो राजस्थान कंप्यूटर प्रोग्रामर वैकेंसी इज आउट एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ कोर्स। मैं एक ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ राजस्थान प्रोग्रामर के लिए। और आपका जो ये राजस्थान प्रोग्रामर 2024 है, ये जो आपका एग्जाम होगा, आज ही आरपीएससी का नोटिफिकेशन आया है अबाउट द एग्जाम। और जो आपकी प्रोग्रामर का एग्जाम होगा, प्रोग्रामर प्रतियोगिता परीक्षा 2024, ये आपका होगा 27/10/2024। तो लगभग आप देख सकते हैं आज है फरवरी और आपका जो एग्जाम होगा वो अक्टूबर में होगा। लगभग आपके पास में 8 है, हम 8 नहीं 7 महीने लेते हैं, आपके पास में 7 महीने। यू आर हैविंग 7 मंथ फॉर दिस एग्जाम। सो योर एग्जाम इज हैविंग टू पेपर, पेपर वन पेपर टू। 2013 का जो पेपर आया था, 2013 का पेपर, मैंने पूरा पेपर यूट्यूब के लाइव पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको है जाना और लाइव पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आरपीएससी का पूरा प्रोग्रामर का पेपर सॉल्व करा था। ये तो एसओआईटी का है, ये आरपीएससी का। आप यहाँ देख सकते हो आरपीएससी 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 आरपीएससी। सो मैंने पूरा पेपर सॉल्व था कराया। ये कुछ मेरे बारे में इंफॉर्मेशन है। अपना जो ये रहेगा कोर्स राजस्थान प्रोग्रामर का, ये आपका बाइलिंगुअल लैंग्वेज में रहेगा, बट मोस्टली आप बोल सकते हो कि मोस्टली आपका इंग्लिश में रहेगा, क्योंकि आपका जो सिस्टम है, जो आपका कंप्यूटर है, ही कैन अंडरस्टैंड इन इंग्लिश। अगर आप इसका सिलेबस उठा के देखेंगे, जैसे आता है डीबीएमएस, उसमें आते हैं कंसेप्ट आपके कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी का। सब कुछ आपका इंग्लिश में ही रहता है। आप में जैसे आप इंग्लिश के अंदर रखते हो, लेट सपोज आपको एक बनानी है टेबल, क्रिएट टेबल नेम ऑफ टेबल स्टूडेंट और उसके बाद में जो उसके लिखे हुए कॉलम, तो ये भी आप इंग्लिश में लिखते हो। आपका जो पेपर वन है सिस्टम एनालिसिस इन डिजाइन सेट, ये भी आपका इंग्लिश में रहेगा। आपका जो प्रोग्रामिंग है, जो आपका सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, तो ये जो लैंग्वेज है, ये भी आपके इंग्लिश लैंग्वेज को ही समझती है। सो मोस्टली मैं इंग्लिश में बताऊंगा और हिंदी में मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा, बट माई मेन फोकस वुड बी ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। नाउ इन योर डीबीएमएस, अगर अपन यहाँ पे सिर्फ डीबीएमएस की बात करते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, सॉरी और उसके बाद आता है आपका कंप्यूटर नेटवर्क सीएन, उसके बाद आता है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन हम बोल सकते हैं, और लास्ट आपका रह गया प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। इसके अंदर आपका मेनली सी, सी प्लस प्लस, जावा और आपका एक बोल सकते हो सी शार्प भी बोल सकते हो या वीबी नेट भी बोल सकते हो, ठीक है, वीबी नेट भी बोल सकते हो, और आप बोल सकते हो कि जावा के अलावा जेएसपी भी बोल सकते हो। ये आपके कुछ सिलेबस रहेंगे। अपने पास में 7 मंथ है, वी आर हैविंग 7 मंथ। इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टुडे, आज है आपका फैब है, ठीक है, आज की डेट है 6th फैब, 6th फैब। आपके पास में 7th मंथ रहेंगे। तो मेरा ये मानना रहेगा कि लगभग 3 से 3.5 महीने के अंदर आपका पूरा कोर्स हो जाएगा, डीबीएमएस कंप्यूटर नेटवर्क सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिस्टम डिजाइन एंड योर प्रोग्रामिंग। और रिमेनिंग जो अपने लगभग 3.5 महीने रहेंगे, उसमें अपन करेंगे एमसीक्यू मॉक टेस्ट ऑफ गेट लेवल एग्जाम के, अपन मॉक टेस्ट जो आपका डीबीएमएस है, कंप्लीट डीबीएमएस फ्रॉम स्टार्टिंग की एसक्यूएल क्वेरी क्या होती है, क्या डीबीएमएस की रिक्वायरमेंट है, टिल योर पीएल एसक्यूएल पूरा अपन देखेंगे, टिल योर डेटाबेस सिक्योरिटी, योर कंप्यूटर नेटवर्क, भाई क्या कंप्यूटर नेटवर्क है, इसका मतलब क्या है, टिल योर ओएसआई लेयर, टिल योर कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी, वी विल सी एवरीथिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कितने आपके एसडीएलसी के मॉडल्स आते हैं,
जैसे आपका वाटरफॉल हो गया, रेड हो गया, स्पाइरल हो गया, आपका प्रोटोटाइप हो गया आपका मॉडल। सो ये सारे मॉडल्स के क्या एप्लीकेशन है, क्यों इनको लेके आए थे, क्या इनके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है, सब कुछ कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, वी विल कवर एवरीथिंग। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम सीखेंगे स्क्रैच से बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक कि भाई क्या क्या आ सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसमें थोड़ा बहुत टाइम ज्यादा लग सकता है, क्योंकि लेट्स फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ जावा। जावा इट्सेल्फ है वेरी वास्ट टॉपिक, तो पूरा जावा कंप्लीट करने में कम से कम मेरे हिसाब से आपको 20 आवर्स तो लग जाएंगे, लग जाएंगे कि भाई आपको अच्छी खासी नॉलेज हो जाए सिर्फ जावा जावा की। अगर आप डेली 1 आवर की भी आप क्लास देखते हो तो आपको जावा देखने में आपको लगभग 20 दिन लग जाएंगे, आपको 20 डेज इट विल टेक यू टू अंडरस्टैंड एंड गेट द नॉलेज ऑफ जावा सो दैट यू कैन आंसर द क्वेश्चन इफ द एग्जाम लेवल वॉज हार्ड और अप टू द गेट लेवल। ठीक है, तो ये अपना रहेगा कोर्स, और जो कोर्स की डिटेल है मैं कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा, तो वहां पे टेलीग्राम ग्रुप होगा, वो आपको जाके ज्वाइन करना है और वहां पे आपके रहेगा प्राइस। सो प्राइस बहुत ही रखा है मैंने कम, बहुत ही आपका है प्राइस कम, ये आपके 1,000 रुपए से लेके 1,500 रुपए के बीच के अंदर आपका ये प्राइस है। ठीक है, ये आपको मिलेगा प्राइस, और आपको लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डिंग और प्लस एमसीक्यू प्लस पीडीएफ सब कुछ आपको मिलेगा। बट ये है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जो मैं आपको बताऊंगा, जो मैं आपको होमवर्क दूंगा वो आपको करना पड़ेगा, जो मैं आपको सिखाऊंगा वो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन उसी से बनेगा। अगर आपको थ्योरी आती है और उससे अगर आपको एमसीक्यू पूछता है तो आप आंसर दे सकते हैं, सिर्फ एमसीक्यू एमसीक्यू देख के आप और नए क्वेश्चंस के आप एग्जाम नहीं दे सकते। जो 2013 का जो आया था पेपर वो क्या थोड़ा आसान था पेपर, बट इस साल जो एग्जाम में आने वाला पेपर वो 10 साल पहले पेपर आया था, तो एट दैट टाइम एग्जाम लेवल वाज इजी, बट अब आप देखो कितना कंपटीशन हो गया, तो एग्जाम लेवल हलवा नहीं आएगा, हार्ड आएगा, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आपका कोई भी हो डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।